रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आज से योजना का शुभारंभ हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस अवसर पर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पुनिया जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कोरोना संकट में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के साथी और विधायकगण एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल हुए हैं, आर्थिक गतिविधि भी संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के सबसे स्थान का माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था, भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य की दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारतीय आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर के माध्यम से ही ग्राम राज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनी है। आदरणीय राहुल जी के वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है। पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान दान राशि प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रूपए प्रति एकड़, किसानों को 13,000 रूपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम 1,500 करोड़ रुपए की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्ष में भी उनको ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 30,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला। इसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 20,000
15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपये गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है योजना से लाभान्वित होने वाले बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए सचिव के अध्यक्षता में गोष्ठियों की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी, इसके अलावा राहुल जी से मैं पूरा निवेदन करता हूं कि हमें आशीर्वचन से 2 शब्द कहें। बघेल जी सुनाई दे रहा है? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, ये आवाज की आ रही है बघेल जी, थोड़ा वॉल्यूम जो है इको है थोड़ा कम करवाएं अगर होस्ट है उसे बोलकर तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा बघेल जी नमस्कार, गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, आवाज़
संदीप जी कैन यू हियर मी? यस सर, वी कैन हियर यू सर, प्लीज गो अहेड सर. देयर इज अ कांस्टेंट रेपिटेशन, एको आ रहा है यहाँ पे. अब नहीं आ रहा सर, नाउ इट इज ऑन. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, चीफ मिनिस्टर बघेल जी, मोतीलाल वोरा जी, पीएम पुनिया जी, मोहन मार्कम जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री और एमएलएस, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं. आप जानते हैं कि कोविड बीमारी से हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था को जरूर नुकसान पहुंच रहा है, मगर बहुत सारे लोगों को दुख, दर्द और चोट लग रही है. और सबसे ज्यादा दर्द गरीब लोगों को हो रहा है, जो आज आपको बता दें कि राजीव गांधी न्याय योजना का आज से शुभारंभ हो रहा है. और आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, और जिसमें एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्रीगण भी इस कॉन्फ्रेंस में एक साथ जुड़े हैं. तो पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज से किसान न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है. इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना उगाने वाले 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में लगभग 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, और जिसमें गन्ना उगाने वाले किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया जाएगा, जिसमें साथ ही नए सीजन से दलहन और तिलहन वाले किसानों की मदद भी की जाएगी. न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा. न्याय योजना को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों शुरुआत होने जा रही है. और हमने किसानों की से जो वादा किया था, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उसी सरकार पूरा करेगी इस योजना के माध्यम से. तो लाइव उस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जुड़े हैं, सोनिया गांधी जुड़ी हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़े हैं और कुछ मंत्री भी जुड़े हुए हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो नई योजना शुरू की जा रही है राजीव गांधी न्याय योजना, उसमें क्या क्या खासियतें होंगी और कैसे इसका फायदा उन किसानों को मिल पाएगा. तो पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज से किसान न्याय योजना की शुरुआत हो रही है, और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल किसान न्याय योजना की शुरुआत आज से कर रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको बताया कि धान, मक्का और गन्ना उगाने वाले 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में लगभग 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें गन्ना उगाने वाले किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस और 10 करोड़ से ज्यादा
जो राशि है वो वितरित कर दी जाएगी। साथ ही नए सीजन से दलहन और तिलहन वाले किसानों की मदद भी की जाएगी। न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ ही न्याय योजना को लेकर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों शुरुआत हो रही है। और हमने किसानों के लिए जो वादा किया था धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा दिया जाए, पिछले साल हम लोगों ने 20,000 करोड़ के लगभग 50 लाख मेट्रिक टन की धान खरीदी की थी और इस खरीफ वर्ष में केंद्र सरकार ने आपत्ति की। केंद्र का जो समर्थन मूल्य 1815 रुपए था उस समय उन्होंने कहा था कि इससे 1 रुपए भी ज्यादा कोई सरकार नहीं देगी। किसानों को जो भी राज्य सरकार अगर 1815 रुपए ज्यादा किसानों को भुगतान करेगी तो उसका चावल केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। और हमारे सामने धर्म संकट था, हम यहाँ 85 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करेंगे और अगर हमारा चावल नहीं खरीदेगी सरकार तो सामने आखिरकार हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को प्रथम 1815 रुपए धान खरीदी के समय ही उनके खातों में दे दिया जाए। शेष राशि को देने के लिए जो अंतर की राशि है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम राजीव गांधी किसान निधि योजना के अंतर्गत केवल धान की ही किसानों को नहीं बल्कि और बाकी चीजों पर भी काम करेंगे। बिजनेसमैनों से, युवाओं से, महिलाओं से आपके साथ खड़े हैं। जो भी हम मदद आपकी कर सकते हैं हम करेंगे और हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बाकी चेक कर लो ठीक से चला गया। मैं शुरू कर सकती हूँ? जी मैम, काइंडली बिगिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राहुल जी, पूनिया जी, मरकम जी, चरणदास महन जी, पीएस सिंह देव जी, साहू जी, चंदन कुमार जी, मंत्री और विधायकगण, संसद सदस्यगण, साथियों, आज राजीव जी की शहादत की पुण्यतिथि है। हम सभी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर से महिला और आदिवासी किसान भाई बहनों के लिए बहुत प्यार और आदर था। इसलिए वे समय समय पर इन सब के बीच खुद जाते थे, उनसे सीधे संवाद करते थे और उनके जीवन में रोजमर्रा की तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे हमेशा ये मानते थे कि किसान और खेती ही भारत की विकास की असली पूंजी है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देने, हर मुश्किल में राहत पहुंचाने, फसल की बेहतर कीमत दिलवाने और खेती को नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जोड़ना ही राजीव जी की सोच और प्रतिबद्धता थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी
और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है, और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है जिससे वे आत्मनिर्भर बने, बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर इसका लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही, यही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yes, ma'am. Namaskar. Namaskar. What is the procedure now? Because you've come. Ma'am, Mukhyamantri ji, ab aapka aur Rahul ji ka dhanyavad karenge. We are waiting for him to come in. Aur phir uske baad aap dono izazat le lenge aur ve baki ki karwai Mukhyamantri ji sanchalit karenge. Yes. I think the link has got broken on his side. We are waiting for him to come back. I see. Okay. Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana ke shubharambh karyakram par aapne jo apna amulya samay diya, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू राहुल जी।
तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज से किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस न्याय योजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उगाने वाले 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में लगभग 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। गन्ना उगाने वाले किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस 10.27 करोड़ रुपए भी दिया जा रहा है। साथ ही नए सीजन से दलहन तिलहन वाले तमाम किसानों की मदद भी की जा रही है। न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया गया है। न्याय योजना को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों शुरू होने जा रही ये योजना हमने किसानों के लिए बनाई है। लघु अनुपज का संग्रहण राज्य शासन की ओर से नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज अभी हम खरीद रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो 12-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं उनको इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं, उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था उसे बढ़ा के 30 रुपया किया, इमली हमने खरीदा और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले ये हमारी सरकार की कोशिश है और इस योजना का आने वाले दो तीन वर्षों में इसका दिखने लगेगा। कुपोषण योजना हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको गर्म भोजन हम प्रतिदिन दे रहे हैं और आगामी 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य हमारा है और इससे महिला समूहों की भी आय में वृद्धि होगी। हाट बाजार स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया, उसमें दूरस्थ अंचलों में हमारे जो लोग रहते हैं उसे वहाँ मेडिकल टीम हमने भेजा और मात्र 8 महीने में ही 13,21,690 मरीजों का उपचार किया गया। पहली बार दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। वाणीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट 4200 एकड़ जमीन हमने वहां के आदिवासी किसानों को वापस किया है। एसएसजी के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य आवासीय परिसरों में नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने समस्त सामग्रियों का सप्लाई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष 15 जून से 40
उत्कृष्ट सर सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल का संचालन किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 7 स्थानों पर 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां 2/3 आबादी बीपीएल श्रेणी में आते हैं। हमारा लक्ष्य है आने वाले 4 वर्षों में जो राष्ट्रीय औसत 20% है उसके नीचे लाने की हमारी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजना आम किसान आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले सूरजपुर जिला, सबसे पहले सूरजपुर जिला के ड्राइवर मार्ग्रहण कर मछली पालन कर तथा टूरिज्म गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। आइए हम इन ग्राहियों से उनके अनुभव साझा करते हैं। सूरजपुर तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में लागू करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? ये योजना बहुत अच्छा है, तो सब जगह लागू करना चाहिए। छुटते हैं धमतरी जिले के आदिवासी अंचल से ग्राम दुबली में आदरणीय राजीव जी और आदरणीय सुमीर जी का 14 जुलाई 1985 को आगमन हुआ था। राज्य की कांग्रेस सरकार गठन के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री ने दुबली में अनेक अभिनव आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है। आइए हम धमतरी चलते हैं और ग्राम दुबली के बहनों से अपने अनुभव साझा करेंगे। नमस्कार
किसानों से वादा किया था कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पिछले साल हम लोगों ने दिया भी 20,000 करोड़ के लगभग 50 लाख मैट्रिक टन की धान खरीदी हमने की थी। इस खरीफ वर्ष में केंद्र सरकार ने आपत्ति की थी तो केंद्र का जो समर्थन मूल्य 1815 रुपए था उस समय उन्होंने कहा कि इससे 1 रुपए भी ज्यादा कोई सरकार नहीं देगी। किसानों को जो भी राज्य सरकार अगर 1815 रुपए से ज्यादा भुगतान करेगी तो उसका चावल केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। हमारे सामने धर्म संकट था कि हम यहाँ 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करेंगे और अगर हमारा चावल नहीं खरीदेगी तो सरकार के सामने आखिरकार हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को प्रथम 1815 रुपए धान खरीदी की समय ही उनके खातों में दी जाएगी। शेष राशि को देने के लिए जो अंतर की राशि है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम राजीव गांधी किसान निधि योजना के अंतर्गत केवल धान के ही किसानों को नहीं बल्कि उनके साथ मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी इन तमाम किसानों को भी शामिल करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम किसानों से मुखातिब यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से जितनी भी तमाम योजनाएं किसानों के लिए संचालित की जाती हैं उनका फायदा उन तमाम किसानों को पहुंच रहा है या नहीं, उसमें किस तरह से क्या कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्या कुछ नवाचार होना चाहिए, इन तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चर्चा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि किसान पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं और कहना भी है कि पहली बार छत्तीसगढ़िया कोई मुख्यमंत्री बना है और जिसके भीतर छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है वो पूर्ण रूप से है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज से किसान न्याय योजना की शुरुआत हो गई, किस तरह से इसको देखते हैं, ये क्या वो सेकंड माइलस्टोन इसको कहा जाए जो वाकई में इस सरकार को स्टेबल कर जाएगा? निश्चित तौर पर रस्क ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिहाज से। जिस तरह से बार बार सालों से ये बात चली आ रही है कि किसान जो कि बहुसंख्या में है प्रदेश में और जो अन्नदाता है लेकिन उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता जिसके वजह से वो अभी भी गरीब बने हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर किसान जो है वो गरीब बने हुए हैं और इतनी मेहनत के बाद भी जो की कृषि है वो लाभदायक नहीं हो पाती जिससे उनका जीवन स्तर नहीं सुधर पाता है। और इस बात को कांग्रेस ने पिछले चुनाव में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया था और ये घोषणा की थी कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान का काफी यहाँ पर उत्पादन होता है और ज्यादातर किसान यहाँ पर धान की ही खेती करते हैं परंपरागत रूप से। इसलिए 2500 रुपए में जो धान खरीदी का वादा सरकार ने किया था उसके तहत पहले साल जब सरकार बनी थी तो उस समय 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान का भुगतान किया गया था। उसके बाद इसके बाद
ये हुआ कि अगले साल धान का रकबा और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एक तकनीकी समस्या आई कि केंद्र सरकार ने कहा कि समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर धान खरीदी करने से हम जो केंद्रीय पूल का जो चावल खरीदते हैं वो चावल नहीं खरीदेंगे। उसके कारण से एक समस्या आई थी सरकार के सामने कि अब वो इसका समाधान कैसे करें। तो इसके लिए एक मंत्रिमंडली उप समिति का गठन किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उस कैबिनेट सब कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि एक किसान न्याय योजना शुरू की जाए जिसमें जो अंतर की राशि है उसका भुगतान किया जाए। तो इसी के तहत जो मार्च में बजट सत्र हुआ था विधानसभा का, उसमें इस न्याय योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया था, और उसी को जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम देकर, आज चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, इस दिन को चुना गया इस योजना की लॉन्चिंग के लिए। और आज जो है इस योजना का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी जुड़े थे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जुड़े थे, और इन सबकी मौजूदगी में इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। और इसके तहत ये बताया जा रहा है कि धान के अलावा जो प्रमुख फसलें हैं छत्तीसगढ़ की, मसलन मक्का गन्ना दलहन तिलहन, इन सभी की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने की बात इस योजना के तहत की गई है। और ये कहा गया है कि जो भी किसान इन फसलों में से जो भी फसल लगाते हैं और उसका पंजीयन कराते हैं तो उनको जो है 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि सरकार देगी, और चाहे वो धान की खेती हो, मक्का की हो, गन्ना हो या दलहन तिलहन की खेती हो, तो प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिया जाएगा। और इसी के तहत जो पिछले साल किसानों ने धान बेचा था और उनको केवल समर्थन मूल्य का भुगतान उस समय किया जा सका था और अभी बकाया था करीब करीब 685 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान का भुगतान करना था, इसी के तहत इस योजना के तहत उनका भुगतान किया जाना है। हालांकि अभी जो आर्थिक संकट की स्थिति है उसके मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 किस्तों में किसानों को भुगतान किया जाएगा। तो आज जो है 19 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में इसकी पहली किस्त जो है 685 रुपए जो बचा हुआ है उसको 4 किस्तों में किसानों को लौटाया जाएगा। आज पहली किस्त का भुगतान इस योजना के तहत किया जा रहा है। रश बिल्कुल वाकई में, क्योंकि मनोज जी आपने जिक्र किया कि पहली किस्त के जरिए 19 लाख किसानों को भुगतान किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं कि कोविड-19 से हर कोई ग्रसित है, और इस बीच आज जिस तरह से इस किसान न्याय योजना का आगाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, इससे जाहिर सी बात है किसान, क्योंकि किसान पुत्र हैं, किसान हैं, और उन किसानों की तमाम जो दिक्कतें हैं उसको भी भली भांति यहाँ पे मुख्यमंत्री समझते हैं, और जो क्षेत्रीय चीजें हैं, पारंपरिक छत्तीसगढ़ की चीजें, उनको भी बढ़ावा देने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखते हैं उसमें अब कितना विराम लग पाएगा? निश्चित तौर पर काफी विराम लगेगा, क्योंकि ये कहा गया था बजट सत्र हुआ था मार्च में हुआ था, उसमें हालांकि इस योजना के बारे में जानकारी दे दी गई थी, बजट में प्रावधान कर दिया गया था, इसलिए उस समय किसान निश्चिंत थे कि उनको इसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसी के बाद ठीक बाद सत्र के दौरान ही कहें कोविड-19 का प्रकोप आ गया और लॉकडाउन शुरू हो गया, गिलोटिन के जरिए विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया, और उस समय ये था कि अप्रैल में किसानों को जो है अस्तर की राशि मिल जाएगी, लेकिन किसान भी उस समय शांत थे इसलिए कि वो देख रहे थे कि पूरे देश और विश्व में किस तरह से कोविड-19 का संकट चल रहा है और सरकार उसी में व्यस्त है, इसलिए अप्रैल में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मई शुरू हुआ तो किसान थोड़े चिंतित होने शुरू हुए, क्योंकि लॉकडाउन लगातार बढ़ता गया, लॉकडाउन 1 के बाद 2, 3 और अब 4 शुरू हो गया। इसी बीच जो है किसान थोड़े चिंतित होने लगे, क्योंकि जून में मानसून आ जाता है और खरीफ का सीजन शुरू हो जाता है, किसान जो है मई के आखिरी सप्ताह से तैयारियां शुरू करने लगते हैं, खेतों में जो है अधिक तैयारियां शुरू कर देते हैं, खाद बीज की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं और उस समय उनको पैसे की जरूरत होती है। तो किसान मई आते ही चिंतित होने लगे कि सरकार ये पैसा कब देगी, और नहीं देगी तो फिर कैसे उनकी खेती होगी, और इसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और विपक्ष ने बार बार सरकार पर हमला किया कि पहले आपने कहा था कि अप्रैल में पैसे देंगे, अप्रैल में नहीं दे पाए तो मई में देने की बात कही, लेकिन कब देंगे, इस तरह से माहौल एक बना
किसानों के पक्ष में, और सरकार ने जो है 15 दिन पहले ये घोषित कर दिया था कि इस महीने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी, और इसके लिए दिन का भी चयन कर लिया गया था, और उसके बाद से ये माहौल जो है लगभग शांत हो गया था। किसान इस बात से खुश थे कि भले ही आंशिक रूप से ही सही, लेकिन उनको खरीद फसल की तैयारी के लिए कुछ पैसा तो मिलेगा। सरकार ने ये स्वीकार किया कि 4 किस्तों में देंगे, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं है। हालांकि कुछ छोटे किसान हैं, उनको जरूर कुछ समस्या हो सकती है, उनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और इसको मुद्दा भी बनाया था विपक्ष ने कि 4 किस्तों में क्यों दे रहे हैं, आपने तो वादा किया था 2500 रुपए में धान खरीदी का, इसलिए आपको पूरी जो बकाया राशि हो एक साथ देना चाहिए। लेकिन सभी को मालूम है कि इस समय COVID-19 का संकट चल रहा है, बहुत सारी समस्याओं से सरकारों को जूझना पड़ रहा है, पूरे देश में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जो किस्तों में देने की बात ही सही, किसान अभी प्रारंभिक तौर पर इस योजना से बेहद संतुष्ट नजर आ रहा है। वाकई में, क्योंकि आप भी इस बात का हवाला दे रहे हैं, जिक्र भी हम लगातार चर्चा में कर रहे हैं कि वित्तीय स्थिति पूरे देश की ही ठीक नहीं है, और इस बीच जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको पूरा कर रहे हैं, और पूरा करते हुए लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ को हम किस पायदान पर देखते हैं। तौर पर जैसा कि दर्शक मैंने पहले भी कहा कि यहाँ के जो किसान हैं वो मुख्य तौर पर धान की खेती करते हैं, और उनके